निर्गमन अध्याय दो। निर्गमन अध्याय दो। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा और जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होता है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर पर आई, उसकी सखिया नदी के तीर टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उससे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खुलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दहाई को तेरे पास बुला ले आओ जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय यह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों के भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आए तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आ गई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हूं उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक
और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया।